हेलो एंड वेलकम एवरी वन अनदर कंपनी दैट इज जस्ट अबाउट टू बिगेन इट्स स्टॉक मार्केट जर्नी थ्रू इट्स आई पी ओ इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी का आई पी ओ टेंथ ऑफ अगस्त से ट्वेल्थ ऑफ अगस्त तक ओपन रहने वाला है नाउ लेट्स गो थ्रू दिस आई पी ओ इन डिटेल इन दिस वीडियो नाउ इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं ये आई पी ओ कैसे लगे एस के ऊपर बात करते हैं एंड देन वी वुड टेक अ फाइनल कॉल दैट वेदर वी शूड अपलाइन दिस पर्टिकुलर इशू और स्किप इट सो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद आवर डिस्कशन सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं सो so 2009 थाउजेंड नाइन ईयर में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड मिस्टर एम आनंदन ही इज़ द फाउंडिंग प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी बेसिकली एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है यानी होम लोन्स प्रोवाइड करती है एंड मेन फोकस जो इस कंपनी का रहता है वो रहता है टू प्राइमरली एड्रेस द हाउसिंग फाइनेंस नीड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज एंड दैट टू फ्रॉम सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ तो मेनली लो इनकम एंड मिडिल इनकम फैमिली ग्रुप्स को ये कंपनी कैटर करती है बाय प्रोवाइडिंग दैम लोन्स फॉर होम कंस्ट्रक्शन होम परचेज होम रिनोवेशन एक्सटेंशन एक्सेट्रा दे आर एंटायरली अ रिटेल फोकस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि सिर्फ रिटेल कस्टमर्स को ये लोन प्रोवाइड करते हैं मतलब बिल्डर्स वगैरह को या कमर्शल रियल स्टेट परपजेज के लिए ये लोन नहीं देते हैं और इस कंपनी की मेन प्रेजेंस जो है वो साउथ इंडिया में है और जिनमें आ जाते हैं फोर स्टेट्स नेमली आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका एंड तेलंगाना इनफैक्ट एज पर अ क्राइसिस रिपोर्ट दिस कंपनी इज वन ऑफ द लार्जस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन साउथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ए यू एम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप इस कंपनी के नाम में देखो तो एप्टस वर्ड आता है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअली एप्टस इन लेटिन मीन समथिंग विच इज अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल बेसिकली अगर आप समझो भी तो जो मिडिल इनकम सेगमेंट के जो कस्टमर्स होते हैं मतलब अपर मिडिल सेगमेंट के या फिर जो हाई इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं उनके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं लाइक देर इनकम टैक्स रिटर्न देर इनकम प्रूफ्स देर सैलरी सर्टिफिकेट्स तो उनसे डील करते टाइम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करती बट जब बात आती है लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स की तो उनके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती यूजली दैट्स वाई उनकी इनकम असेस करना उनकी क्रेडिट असेसमेंट करना इन सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड दैट्स वाई एक इंडिविजुअल अपनानी पड़ती है, कस्टमर से डील करते हर एक की प्रोवाइड करना पड़ता है और वही काम ये कंपनी करती है उनकी नीड्स को समझ के अप्रोप्रेट एंड सूटेबल हाउसिंग फाइनेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एंड के नाम एप्टस वर्ड आता है सो कैन से बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी एंड इट इज हाउ इट ऑपरेट्स ऑन ऑ होल इंटरनेशनल वी कैन से कि ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है विद अ गुड प्रेजेंस इन साउथ इंडिया एंड विद अ वेरी स्ट्रांग फोकस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स सेल्फ एम्प्लॉड कस्टमर्स बिलोंगिंग टू लोअर एंड मडल इनकम ग्रुप्स अब ये तो इस कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस की बात थी अब बात करते हैं कुछ आईपीओ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपीओ का इशू साइज कितना रहने वाला है द ओवरऑल इशू साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीओ इज रफली टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी करोड़ रुपीज़ जिसमें से अगर हम फ्रेश इशू का एलिमेंट देखें तो वो है फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज़ का एंड ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वह टू थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी करोड़ रुपीज़ का एज वी ऑल नो कि फ्रेश इशू का एलिमेंट ही कंपनी को नेट में मिलता है एज द ऑफर फॉर सेल कम्पोनेंट गोज इन द हैंड्स ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर्स सो so, अब बात आती है कि फ्रेश इशू के एलिमेंट को कंपनी यूटिलाइज कहाँ करने वाली है तो कंपनी वुड बी यूटिलाइजिंग दैट एंटायर अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू इन ऑगमेंटिंग द कंपनीज़ कैपिटल बेस टू मीट कंपनीज फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बींग अ फाइनेंस कंपनी इस कंपनी के ऊपर कैपिटल एडिक्यसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इन्हें कंप्लाई करनी पड़ती हैं एंड बेसिकली फ्रेश इशू के एलिमेंट जो है वो वहीं पे कंपनी यूटिलाइज़ करने वाली है और अब बात करते हैं कुछ अट्रैक्टिव और लिमिटेशन पॉइंट्स की जो इस आईपीओ से जुड़े हुए हैं दोनों साइड पे बात करते हैं बट लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट जो इस आईपीओ को फेवरेबल और अट्रैक्टिव बना रहे हैं दो पॉइंट्स हैं टोटल इस साइड पे एक एक करके दोनों पे बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस साइड इज द स्ट्रॉग फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी अच्छा कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का पास में दैट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम इट्स फास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इंस्टेंस 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो दिस कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स ऑफ रफली 111 करोड रुपीज विच फर्दर इंक्रीज टू टू करोड रुपीजी इन द नेक्स्ट ईयर एंड देन इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स फर्दर इंक्रीज टू रफली टू करोड़ रुपीज फर्दर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए या फिर एक फाइनेंस कंपनी के लिए ए भी बहुत मैटर करते हैं यानी एसेट सेंडर मैनेजमेंट और इस कंपनी के ए भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं टू में ट्वेंटी करोड़ रुपीज़ के थे एंड नाउ इन ट्वेंटी दे आर रफली ऑफ फोर करोड़ रुपीज सो दिस बिकम्स द फर्स्ट इककरेजिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपनी दट इज हज अ गुड एंड स्टेबल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड सेकेंड पॉइंट ऑन द पॉजिटिव साइड इज द एक्सपीरियंस प्रमोटर बैकग्राउंड मिस्टर एम आनंदन हिज वाइफ पद्मानंदन एंड वेस्ट ब्रिज क्रॉस ओवर एल एल सी जॉइंट इन्वेस्टमेंट फॉर्म जो है दे आर द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी बट टॉकिंग अबाउट मिस्टर एम अनंदन इन पर्टिकुलर सो ही इज द फाउंडिंग प्रमोटर ऑफ दिस वी डिस्कस अर्लियर वाइल टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंपनी ऑल्सो उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो ही हैज मोर देन फोर्टी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अपने अपने आप में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं प्लस ही हैज ऑल्सो सर्व्ड एज एन एम डी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बिग मुगप्पा ग्रुप कंपनी चोलामंडलम इवेस्टमेंट एंड फाइनेंस इन द पास्ट सो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस

जो प्राइस बैंड इस कंपनी के मैनेजमेंट ने फिक्स करा है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए वो है थ्री फोर्टी सिक्स टू थ्री फिफ्टी थ्री रुपीज़ का ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमर फेस हम ये नहीं कह सकते कि वैल्यूशन बहुत ज़्यादा हैं ओवर प्राइज्ड आई कहीं से भी नहीं है ये बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अंडर है ऑन होल वी कैन से कि एक फेयरली प्राइज्ड आई है बट एज वी ऑल नो हम पास्ट आईपीओ में भी कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि अच्छे बंपर लिस्टिंग हैं जिन्हें कहते हैं वो यूजुअली तब पॉसिबल हो पाते हैं जब कंपनी अपना प्राइसिंग जो है वो थोड़ा डिसेंट वैल्यूशन रखती है और थोड़े चीपर वैल्यूशन जब रखी तब ये पॉसिबल हो पाता है सो अकॉर्डिंगली फ्रॉम दैट एंगल ये थोड़ा सा एक डिस्करेजिंग एलिमेंट जरूर रह सकता है इस आईपीओ के लिए जिससे ये पर्टिकुलर आईपीओ सफर कर सकता है सेकेंड पॉइंट ऑन दिस साइड इज द लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ द कंपनी एज वी डिस्कस इन द बिगनिंग ऑल्सो कि इस कंपनी की मेनली साउथ इंडिया में ही प्रेजेंस है तो ऐसे टाइम में जहाँ बैक टू बैक लगातार इतने आई पी ओज आ रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हर कंपनी जो आई पी ए आ रही है उसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है इवन कुछ कुछ कंपनीज की तो इंटरनेशनल लेवल पर भी है सो फ्रॉम दैट एंगल ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आईपीओ के लिए कि इनकी लिमिटेड प्रेजेंस ही है हाँ नो डाउट साउथ इंडियन मार्केट्स में इनकी अच्छी ग्रिप है अच्छी पकड़ है इस कंपनी की प्लस लॉन्ग uh, टर्म के पॉइंट से हो सकता है पॉइंट बेनिफिशियली रहे कंपनी के लिए ओवरऑल क्योंकि इनके पास स्कोप है आगे ग्रो करने की दूसरे मार्केट्स में एंटर करने की अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की बट एज ऑफ नो टॉकिंग फ्रॉम प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईपीओ लिस्टिंग ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट रहता है सकते हैं एंड ओवरऑल ये थे वो दोनों पॉइंट्स इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में जो थोड़े से अनफेवरेबल हैं इस आईपीओ के लिए नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल कंपनी को समझा हमने उसके बिजनेस मॉडल को देखा प्रॉज एंड कॉन्स एट्रैक्टिव लिमिटेशन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद इफ़ वी आर टू फाइनली कंक्लूड दैट हाउ इज दिस पर्टिकुलर आई लुकिंग एंड वेदर वी शुड अप्लाइन इट और नॉट तो ऑन अ होल वी कैन से कि एक अच्छा आई है डिसेंट आई है कंपनी भी अच्छी है फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के जो इनका फोकस है मेनली लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स को हाउसिंग लोन्स देना वो भी अच्छा है ग्रोइंग सेगमेंट है सो ओवरऑल इट कैन बी कॉल्ड एज अ डिसेंट आई एंड विद एक्सपेक्टेशन ऑफ डिसेंट लिस्टिंग गेंस ओनली वी कैन अप थिंक ऑफ अ इन यूनिट हाँ बहुत ज़्यादा फायर वर्कस दिखाते हैं बंपर लिस्टिंग गेंद्स दे हैं ऐसा आई भी नहीं है ये बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं कह सकते कि खराब आई पी ठीक ठाक रीजनेबल लिस्टिंग गेंस से अगर आप सेटिस्फाइड हो तो यू कैन थिंक ऑफ अ इन इट और अब बात आती है कि ये जो चार आई हैं जो नाइन से लेकर ट्वेल्थ अगस्त की डेट्स में ओपन रहने वाले हैं उनमें ये वाला पर्टिकुलर आई पी एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ये कहाँ स्टैंड करता है तो अभी तक की अगर रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट रैंक पर कार ट्रेड का आई आता है सेकंड पे हम इस पर्टिकुलर आई को रख सकते हैं एप्टस वैल्यू के थर्ड पे न्यूवोकोविस्टास आता है अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से और अब जो लास्ट आई बचा ओ बचा का वो उसकी रैंकिंग कहाँ आती है तो उसके रिस्पेक्ट में भी जब हम उसका रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी रैंकिंग भी उसकी प्रायोरिटी भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे सो स्टेट यून विद दस गाइज एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक कंप्लीट और पूरा आइडिया मिलाओ इस पर्टिकुलर आई के रिस्पेक्ट में सो डू लेटर्स नो इन द कमेंट्स की वेद यू वुड भी अपलाइंग इन दिस पर्टिकुलर आई और नॉट थैंक यू सो मच एवरी टेक केयर